अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आज मैंने साड़ी एक ख़ास वजह से पहनी है। आपको पता है पहनावे तब्दील होते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं और आप बहन भाइयों के साथ लड़ते हैं, उस फ्रॉक, उस शॉर्ट्स और उस पहनावे में आप चुगली जाके अम्मा अब्बा को लगाते। बहन भाइयों के कोई राज अपने पास नहीं रखते, बल्कि जान जान के लड़ाई करते हैं और जान जान के आग लगा के बहन भाइयों को पिटवाते हैं। फिर थोड़े से आप बड़े हो जाते हैं, जवान होते हैं, दुपट्टा आ जाता है। उस दुपट्टे की वजह से बहुत सारी और चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं, इन द सेंस के मैच्योरिटी हल्की हल्की आना शुरू हो जाती है। और फिर आप अपने बहन भाइयों की बातें अम्मा अब्बा से छुपाने लगते हैं, उनको बचाने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं। एक उस पहनावे के बाद आप नोट करें, एक और बड़ापन आ जाता है। और हमारे यहाँ शादी से पहले साड़ियाँ नहीं पहनने देते। सो तब आती है साड़ी की बारी, जब हो जाती है आपकी शादी, और उस वक्त जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो जो नटखट, वो नज़ाकत, वो घड़ी घड़ी रूठ जाना, घड़ी घड़ी ज़िद करना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो इस पहनावे के बाद एक मैच्योरिटी का लेवल आपका बढ़ जाता है। और बहुत सारी बातें जो आपके स्पाउस की होती हैं, आप उस पे पर्दा डालते हैं, और कभी आपका स्पाउस उस पे पर्दा डालता है। एक्चुअली मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कि किसी एक पहिए में थोड़ी सी हवा कम होती है तो गाड़ी चलती है दूसरे पहिए के सहारे, या फिर दूसरे पहिए में ज़रा सी कहीं भी ज़िंदगी में हवा कम हो तो उस गाड़ी को मंजिल तक दूसरा पहिया पहुंचा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे जो एक कपल है, अगर आप उसका जायज़ा लेंगे कि बीवी बहुत होशियार है पैसे संभालने में और मियाँ बड़ा फजूल खर्च है, तो आप देखेंगे कि वो अपनी जितना भी उसकी कमाई है वो अपनी बीवी के हाथ पे रख देता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि अगर मैं अपनी बेगम के हाथ में ये पैसे दूंगा तो वो इसी पैसों से घर भी बना लेगी, गाड़ी भी बना लेगी, जेवर भी बना लेगी, और अगर मैं खुद ही रखूँगा तो मैं तो इसको उड़ा फड़ा के, खिला पिला के ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि ये मेरी नेचर में है। वाइस वर्सा इसी तरह होता है कि कभी कभार ख़वातीन बहुत फजूल खर्च होती हैं और मियाँ थोड़ा इस मामले में थोड़े गुस्सा भी होते हैं कि कुछ भी नहीं बनाया, ये शादी आई है, ख़ानदान के दूर की शादी है, फिर नए कपड़े बना लिए। सो वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, फिर वो बेगम को उतने ही पैसे देता है जितनी ज़रूरत होती है, या फिर खुद सारा सौदा सेल्फ ला देता है। उसी तरह अगर मियाँ बहुत गुस्से का तेज़ होता है और बोलने की उसको इतनी सेंस नहीं होती सबके आगे, बस जहाँ बैठता है लड़ाई झगड़ा कर देता है, तो फिर वो अपनी बीवी को आगे करता है फैसले करने में, अगर वो समझदार होती है और वो बहुत ही बुर्दबारी से और समझदारी से फैसले लेती है। सो कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि रिश्ते करते हुए बड़े दोनों एक जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक जैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस तो रिपेल करते हैं, और प्लस प्लस थोड़ा और प्लस हो जाते हैं। सो मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, वो कहते हैं ना ये एक दूसरे का लिबास होते हैं, कि अगर ढांपना पड़े उनकी किसी कमज़ोरी को तो अपने कपड़े से ढांप लो। सो बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है, आप इंस्टा पे भी देख रहे होते हैं कि आपको बड़े हैप्पी कपल्स नज़र आ रहे होते हैं, और कभी कभार आप कहते हैं अल्लाह वो लोग कितने दूर के ढोल सुहाने रखते हैं, वो लोग कितने खुश हैं, वो लोग कितने मुतमईन हैं। हाँ, वो मुतमईन है, वो खुश है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं होता इस दुनिया में। उन दोनों के बीच में जो आपको हम आहंगी नज़र आ रही है, बेसिकली वो वही चीज़ है, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, जिसकी जो कमज़ोरी है वो दूसरा उसको फुलफ़िल कर रहा है। ऐसा ही होता है, और अलग अलग दो पर्सनैलिटीज़ जब एक साथ मिलती हैं तो दो नहीं 11 बनने चाहिए। और इसी बात को जानने के लिए, टिप्स हासिल करने के लिए, कुछ ऐसे सेलेब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो बड़ी हमेशा बात करते हैं पते की। और यकीन जाने, अगर आपको छोटी छोटी बातें पता चलती जाती हैं और आपके दिल को लगती हैं और दिल से दिमाग तक पहुंचती हैं, तो बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं ज़िंदगी गुजारने में। हम अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़कर, छोटी छोटी बातों पे रूट कर, छोटी छोटी चीज़ों को इश्यूज़ बना के, बतंगड़ बना के, एग्जैचुरेट करके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर गुजरे,
तो इग्नोर करना सीखें। और वो कैसे, ये हम बताएंगे ना आज आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।